इसके बाद आ जाइए 73, 74, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं। तो देखिए भाई, 73 जो है और 74, मैंने कहा एक्सपिएटरी थ्योरी पे बेस्ड ये प्रोविजन है। जब भी आपको सवाल पूछा जाए आप यही मार्क करिए, ये एक्सपिएटरी थ्योरी। और क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल भी समझ, सॉरी आपको मीनिंग समझ आ गया एक्सपिएटरी थ्योरी का, कि एक्सपिएटरी थ्योरी होती क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या इसको याद करने में अब नहीं होगी। देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड दो प्रोविजन तो हैं यहाँ पे, 73 भी है यहाँ और यहाँ 74 भी है, लेकिन इसमें कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा क्या। ये बताया नहीं है, मीनिंग नहीं बताया कहीं पे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। तो जनरली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है, जो अलग से रख दिया जाता है एक्सक्लूसिवली, एक बंदे को एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है ना, जहां ढंग से लाइट आती है ना, कोई दूसरे व्यक्ति से वो बात कर सकता है, पूरा कंप्लीटली पैक होता है, बस नीचे से खाना दे दिया जाता है उसे, दैट्स इट। इस तरीके के कन्फाइनमेंट को कहते हैं आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखिए 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रिगार्डिंग क्या बात करता है, कब आप दे सकते हैं कब नहीं दे सकते हैं। यहां एक चीज समझना बिफोर वी मूव ऑन टू दी प्रोविजन, कि भाई आप किसी व्यक्ति को सेंटेंस तो दे रहे हैं, इंप्रिजनमेंट तो दे रहे हैं, उसी इंप्रिजनमेंट में से कुछ पार्ट आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सीधे किसी व्यक्ति को 3 साल के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया, ऐसा नहीं है। आप देंगे क्या उससे, आप उसे इंप्रिजनमेंट ही देंगे, नॉर्मल इंप्रिजनमेंट, और उसमें से कुछ ड्यूरेशन उसको आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख देंगे, ये होगा। तो इसकी लिमिट क्या होगी, कितने इंप्रिजनमेंट, कितने दिन का इंप्रिजनमेंट है तो कितने दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, एक बार में कितने दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, ये सारी डिटेलिंग 73 और 74 डील करते हैं। तो अब देखिए 73, Whenever any person is convicted of an offence for which under this code, underline कर लीजिए किन cases में solitary confinement दिया जा सकता है, तो ये underline करिए, the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. Solitary confinement वहीं दिया जा सकता है जहां कोर्ट के पास पावर हो रिग्रस इंप्रिजनमेंट देने का। द कोर्ट मे बाय इट सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शाल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इंप्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। तो टोटल जो आपने उसको इंप्रिजनमेंट दिया है, अगर आप एंटाइटल्ड हैं रिग्रस इंप्रिजनमेंट देने के लिए, तो वहां आप ये भी कर सकते हैं कि जो टोटल इंप्रिजनमेंट आप उसको सुना रहे हैं उसका कुछ पोर्शन आप उस व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। कितना हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आगे देखिए, नॉट एक्सीडिंग 3 months इन दी होल। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो टोटल ड्यूरेशन होगा इट शुड नॉट एक्सीड 3 months। एक सेंटेंस जब आपने किसी व्यक्ति को सुनाया है, 3 महीने से ज्यादा आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे। आपने इंप्रिजनमेंट हो सकता है उसको काफी लंबे समय का दिया हो, तो इंप्रिजनमेंट जहां आपने दिया है उसके कुछ पोर्शन को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन, और ये पोर्शन मैक्सिमम कितना होगा, 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देना है। अब ये 3 महीने भी आप सीधे नहीं दे सकते, इसका भी स्केल है, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग स्केल, दैट इज टू से, इसका स्केल क्या है कि कब आप व्यक्ति को कितने दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे। तो जहां इंप्रिजनमेंट 6 months का है, जो आपने टोटल सेंटेंस उस व्यक्ति को दिया है, जहां वो अप टू 6 months है, इन दैट केस जो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो इन दैट केस आप उसको 1 month रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है 73 का। ये बात मेरे ख्याल से आप समझ गए कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक पोर्शन होगा आपके टोटल इंप्रिजनमेंट का। तो कितना पोर्शन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है, मैक्सिमम कितने पोर्शन के लिए एक व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है, तो सबसे पहले है 1 महीने तक रखा जा सकता है अगर आपका टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट अप टू 6 months है, तो अप टू 6 months, नॉट एक्सीडिंग 6 months लिखा है, इसलिए अप टू 6 months। अगर आपका जो इंप्रिजनमेंट है वो 6 months टू 1 year की ड्यूरेशन के बीच का है, इन दैट केस आप जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे वो हो सकता है 2 महीने का, 2 months, वो 2 महीने का हो सकता है। किस केस में, जहां आपका इंप्रिजनमेंट
6 महीने से लेके 1 साल के बीच का है। और अगर आपका जो इंप्रिजनमेंट है, इफ इट इज मोर देन 1 ईयर, इफ इट इज मोर देन 1 ईयर, इन दैट केस आप टोटल जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे सकते हैं वो 3 मंथ्स, एंड 3 मंथ्स इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देना है, 3 मंथ्स से ज्यादा नहीं देना है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। आई होप दैट इज क्लियर। 73 बस इतनी ही बात करता है, स्केल बताता है कि कितने इंप्रिजनमेंट आपने दिया है, तो उस इंप्रिजनमेंट का कितना पोर्शन, अगर आपने किसी व्यक्ति को इंप्रिजनमेंट दिया है तो उसका कितना पोर्शन आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख सकते हैं, इसकी लिमिट बताता है। 74 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा कि एक बार में आप व्यक्ति को कितने दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। 74 हमें क्या बताएगा, ये टोटल ड्यूरेशन की बात चल रही थी 73 में, 74 हमें बताएगा कि एक बार में व्यक्ति को कितने दिन आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। और इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया कुछ दिनों के लिए, तो उतने ही पीरियड का इंटरवल दिया जाएगा बीच में। आपने किसी को 10 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है तो कम से कम 10 दिन का इंटरवल देके फिर अगले 10 दिन रखोगे। आपने किसी को 5 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है तो 5 दिन का ब्रेक, नॉर्मल इंप्रिजनमेंट, फिर 5 दिन। दैट्स हाउ इट इज टू बी डन। एक बार में कितने दिन, तो मैक्सिमम लिमिट 14, 14 डेज, एक बार में 14 दिन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये 74 कहता है, लेकिन 74 इधर खत्म नहीं होता, इधर एक 7 दिन की भी कहानी है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। मैक्सिमम एक तो ये याद कर लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव कि मैक्सिमम एक बार में 14 दिन का दिया जा सकता है। तो कुशान का डाउट है कि अगर इंप्रिजनमेंट 3 मंथ का है तो क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, स्केल बताया तो मैंने। अगर 6 मंथ तक का इंप्रिजनमेंट है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ 1 महीने ही हो सकता, उससे ज्यादा नहीं। अगर इंप्रिजनमेंट 6 महीने से 1 साल है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है आपका 2 महीने, और अगर 1 साल से ऊपर कन्फाइनमेंट है, इंप्रिजनमेंट है, तब जाके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का होगा, उसके पहले नहीं। 74 में एक दिन, एक बार में कितनी दे सकते हैं वो लिमिट देखिए जरा। 74 प्रोविजन पढ़ते हैं, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। ये बात तो यहां कन्वे हो गई, लेकिन ये जो आप 14 डेज का दे रहे हैं ये भी मैक्सिमम, एक बार में जब आप 14 डेज का किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हैं, तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी आप कब देंगे 14 दिन का, जब इंप्रिजनमेंट जो है टोटल इट इज अप टू 3 मंथ्स। अगर 3 महीने तक का इंप्रिजनमेंट आपने दिया है, इन दैट केस ओनली आप एक बार में उसको 14 दिन जेल में रख सकते हैं। अगर आपने इंप्रिजनमेंट 3 महीने का दिया है तो देखिए प्रोविजन में ये बात लिखी हुई है क्लियरली, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स। तो एक बार में आप टोटल 14 दिन का जेल सकते हैं, जितने दिन का भी एक बार में आपने दिया है उतने दिन का गैप देना है, ये बात यहां कन्वे हो गई। फिर देखिए, एंड वेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, जहां इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा होगा उस केस के लिए दूसरी लिमिट है, उसके लिए 7 दिन की लिमिट है। ये लिमिट किसके लिए है 14 दिन एक बार में, वेयर दी ऑफेंस इज पनिशेबल अप टू 3 मंथ, सिर्फ उस केस में आप 14 दिन देंगे। ये इंटरप्रिटेशन हम कहां से निकाल रहे हैं, इस बात को थोड़ा देखिए जो आगे कहानी लिखी हुई है बेरेट में। एंड वेन द इंप्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, मतलब जहां 3 मंथ्स प्लस है इंप्रिजनमेंट, 3 महीने से ज्यादा है इंप्रिजनमेंट है ये, 3 महीने से ज्यादा, इस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में कितना दिया जाएगा, तो उसके लिए लिखा है द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इंप्रिजनमेंट अवॉर्डेड विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन दैन सच पीरियड। अगर 3 महीने से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट है उस केस में 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 डेज से ज्यादा नहीं होगा, 7 दिन, और वो भी क्या 7 डेज इन अ मंथ, 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं। इफ द इंप्रिजनमेंट इज मोर देन 3 मंथ्स, जैसे एक एग्जांपल से इस बात को और समझ लीजिए, मान लीजिए
किसी व्यक्ति को टोटल इंप्रिजनमेंट दिया गया है लेट्स से 4 महीने का, 3 महीने से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो अपन 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंप्रिजनमेंट दिया गया मान लीजिए 4 मंथ्स का, तो क्या एक बार में 14 दिन दे सकते हैं सॉलिटरी कंफाइनमेंट? द आंसर इज नो, क्योंकि 14 दिन वाला रूल कहां एप्लीकेबल है? जहां इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ है वहीं एप्लीकेबल है, उसके बाद नहीं। क्योंकि उसके बाद ये रूल है कि अगर 4 महीने दिया गया तो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ, 4 महीने में सिर्फ आप 7 दिन रख सकते हैं। 7 दिन इस महीने में, 7 डेज इसमें, 7 डेज इसमें और 7 डेज, ये मैक्सिमम है, टोटल आप रख सकते हैं, और बीच में उतना ही इंटरवल, हर महीने 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं। ये कब है? जब इंप्रिजनमेंट आपका 3 महीने से ज्यादा हो। और जो इंटरवल वाली बात है कि जितने दिन रखा उतने दिन का इंटरवल, कि अगर मान लीजिए 2 दिन के लिए रखा, ये तो टोटल है कि 1 महीने में 7 दिन, एक बार में आपने उसको 2 दिन के लिए रखा तो फिर 2 दिन का गैप देना है, एक बार में आपने 4 दिन रखा तो 4 दिन का गैप देना है, फिर अगले 3 दिन देना है। दैट्स हाउ इट इज टू बी डन। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये है पूरी कहानी 14 दिन और 7 दिन की, एंड आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। 3 महीने तक इंप्रिजनमेंट है तो एक बार में 14 दिन दे सकते हैं, अगर इंप्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है तो 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। दैट इज 74।